सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मंदान एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज देखेंगे कि सैंडविच कैसे बनाना है और कैसे खाना है। देखिए, ये सैंडविच थ्योरम है, विच इज मोर लाइकली दिस सैंडविच। तो देख के आपको मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। तो जानते हैं मेथड क्या है सैंडविच खाने की। सो वैसे जोक था गाइस, सैंडविच थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं। जब तक मैं सैंडविच खत्म कर लूँ, आप नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स का सैंडविच थ्योरम, जिसमें ना ही सैंडविच होगा और ना ही खाने की कोई चीज होगी, बट कंसेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू द सैंडविच। सो लेट्स बिगिन। जब तक खा लेता हूं मैं, और तब तक आप नोटबुक और पेन अरेंज करो। और क्या, सैंडविच थ्योरम, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनर्स फेवरेट, बिकॉज वेरी लेस स्टूडेंट नो अबाउट दिस। इवन एनसीईआरटी डोंट हैव मच क्वेश्चन ऑन सैंडविच थ्योरम, सो दैट्स व्हाई इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ओके, एक्स ब्रैकेट वन बाय एक्स प्लस वन टू बाय एक्स टिल 15 बाय एक्स, एंड वन ऑफ द फेवरेट थिंग इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स जीआईएफ। ओके, व्हाट इज जीआईएफ? दिस इज नॉट अ गर्लफ्रेंड, दिस इज लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो डू यू नो अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। लेट्स से यू हैव अ नंबर 2.81, यू कैन राइट इट एज 2 + 0.81, सो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस इज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट। ओके, सो इंटीग्रल पार्ट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। सो कैन आई राइट इंटीग्रल पार्ट एज नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट? ओके, द नेक्स्ट थिंग, सो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लाइक दिस। ओके, सो आई कैन कंक्लूड वन थिंग, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट लाई बिटवीन 0 to 1, बट 1 इज वॉट, एक्सक्लूसिव। इट वुड बी लाइक 0 to 1, बट 1 इज एक्सक्लूसिव, दैट्स वाई राउंड ब्रैकेट। बिकॉज वॉट अबाउट दिस इंटीजर? दो फ्रैक्शनल कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 98/100। फ्रैक्शन कैन नॉट बी 1, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नॉट बी 1, दैट्स व्हाई इट विल लाई बिटवीन 0 to 1। व्हाट अबाउट दिस? इंटीजर इज 3, फ्रैक्शनल इज व्हाट? 0। ओके, सो दिस इज हाउ द फ्रैक्शनल पार्ट इज डिफाइंड। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक इन द क्वेश्चन। आई कैन राइट एवरी GIF as number minus fractional part according to this property, है ना? Any number is equal to what? Integral part plus fractional part. So number minus fractional part would give me integral part. So हमने हर एक को ऐसा लिख दिया, clear? आगे देखते हैं। Now you can see that 1 by x plus 2 by x plus 3 by x, जो मेरा प्रॉपर नंबर है मैंने एक तरफ लिख दिया, और जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है मैंने एक तरफ लिख दिया। ऑल द फ्रैक्शनल पार्ट हैव माइनस साइन। नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग, ऑल द वैल्यूज हैव एक्स एज अ डिनोमिनेटर। ओके, एंड 1 + 2 + 3 + 15, डू यू नो द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर? दैट इज लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो इट वुड बी लाइक लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो इट वुड लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा। एंड यू कैन नोटिस वन थिंग, एक्स इज आउटसाइड एज इट इज विदाउट एनी चेंज, क्लियर? नाउ एक्स इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग, सो यू वुड लुक, इट वुड लुक लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू 120। नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द मोस्ट रिपीटेड पार्ट इन द एग्जामिनेशन।
आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो लेट्स लुक एट दिस कॉन्सेप्ट. आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट जीरो ओवर हियर बिकॉज इट्स इन द न्यूमरेटर, नो नीड टू वरी. एंड वॉट अबाउट दिस फ्रैक्शनल पार्ट? सो लेट्स हैव अ लुक. सी, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट और अ डेसिमल पार्ट. दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज एफ आर ए सी ऑफ एक्स. सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइ बिटवीन जीरो टू वन, वेयर वन इज exclusive and zero is inclusive. So the lowest value possible is zero and the highest value possible is less than one. Okay, so anything multiply this equation with x. Okay, so this is the definition. We have to always solve it by a definition. So what's the definition of fractional part? Fractional part definition is any fractional part is defined in between 0 to 1. So multiply x with all sides. So it would look like 0 into x 0, x fractional part of 1 by x, x. So it would lie between 0 to x. Clear? The next thing. Now we have to put limit x tends to 0 plus. So here, if you look at this value, if I put the 0 over here, it would look like 0 times fractional part 1 by x. See, I don't know the value of 1 by x, but I can notice one thing, that is it is lying between 0 to 0. Oh my god, here the rule of sandwich comes now. Can you see the sandwich? Sandwich mein kya hota hai? There is no gap. Like, sandwich mein koi gap nahi hota hai, wo chipke hue hota hai. It is lying between 0 to 0. Almost zero. That means it is almost zero ना. हमारा क्या कहना है कि ये value zero to zero के बीच में lie करती है. That means वो zero ही है. तो हमारा answer क्या आ जाएगा? It would be like zero into anything would become zero. So my final answer would be 15 into 8. That is 120. This is so called as sandwich theorem. You would get many things like this. Like you would get something like this x. You would get something like this, 1 upon x square in the fractional part. You would get something like this, 1 upon x raised to n. So, it is a fractional part. Always you have to try to solve this by using this concept. And this is method for sandwich theorem. Solve the question based on sandwich theorem from your IIT JEE past year paper. Ye aapko kaafi help karega exam point of view se.